Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Railtel launches PM Vani based access to its Wi-Fi across 100 railway station. जो रेलटेल है इसने लॉन्च किया है पीएम वाणी बेस्ड एक्सेस टू वाईफाई अक्रॉस 100 रेलवे स्टेशन के लिए, तो हम जानेंगे इसके बारे में। इट इज प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी स्कीम बेस्ड एक्सेस टू पब्लिक वाईफाई सर्विसेज अक्रॉस 100 रेलवे स्टेशन हैविंग 2384 वाईफाई स्पॉट इन 22 स्टेट। ये प्राइम मिनिस्टर का वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है पीएम वाणी। ये एक स्कीम है जो कि एक्सेस प्रोवाइड करता है पब्लिक वाईफाई सर्विसेज को अक्रॉस 100 रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे 2384 वाईफाई हॉटस्पॉट जो है 22 स्टेट में है। लॉन्च बाय रेलटेल अमिनी रत्न कैटेगरी 1 पीएसयू इज वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर इन द कंट्री ओनिंग ए पैन इंडिया ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क ऑन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वे अलोंग रेलवे ट्रैक। इट इज अंडर द ओनरशिप ऑफ इंडियन रेलवे। रेलटेल जो है ये एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि प्रोवाइड कर रहा है एक पैन इंडिया ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क को जो कि एक एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वे है रेलवे ट्रैक के लिए। इसका ओनरशिप जो है वो इंडियन रेलवे के पास है। ये काम कैसे करेगा, तो टू एक्सेस दिस वाईफाई नेटवर्क एंड्रॉइड यूजर कैन डाउनलोड टू मोबाइल एप वाई डॉट अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर। दिस एप हैज बीन डेवलप्ड इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद सी डॉट। एक्सेस करने के लिए वाईफाई नेटवर्क को एंड्रॉइड यूजर को डाउनलोड करना होगा जो मोबाइल ऐप है वाई डॉट को, जो कि अवेलेबल होगा गूगल प्ले स्टोर में। ये जो ऐप है इसको डेवलप किया गया है क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ सी डॉट के। पीएम वाणी इज एन एम्बिशियस प्रोग्राम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम टू कनेक्ट ऑल सिलो वाईफाई नेटवर्क फॉर ईज ऑफ यूज एंड प्रोलिफरेट ब्रॉडबैंड यूजर्स फॉर द मासेस। और पीएम वाणी का एक एम्बिशियस प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का, ताकि कनेक्ट किया जा सके सारे सिलो वाईफाई नेटवर्क को ईज करने के लिए यूज और प्रोलिफरेट करने के लिए ब्रॉडबैंड यूजर्स को मासेस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पुलित्जर प्राइज। तो जो पुलित्जर प्राइज है इसके बारे में हम जानेंगे। A team of four Indian photographers from Reuters News Agency selected photojournalist Dennis Siddiqui, Adnan Abidi, Sena Irshad, Amit Dave have won the 2022 Pulitzer Prize for feature photography for their coverage of the COVID-19 crisis in India. जो टीम था चार इंडियन फोटोग्राफर का रूटर न्यूज एजेंसी के, स्लेन फोटो जर्नलिस्ट जो थे जैसे कि चैनिस सिद्दीकी, अदनान अबिदी, सनान इरशाद मटो और अमित दावे, इन सबको दिया गया है 2022 का पुलित्जर प्राइज फोटोग्राफी के लिए उनके कवरेज को ध्यान में रखकर कोविड-19 क्राइसिस को भारत में। व्हाट इज पुलित्जर प्राइज, पुलित्जर प्राइज है क्या? पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग पब्लिक सर्विस एंड अचीवमेंट इन अमेरिकन जर्नलिज्म लेटर एंड म्यूजिक। जो पुलित्जर प्राइज है ये दिया जाता है आउटस्टैंडिंग पब्लिक सर्विस और अचीवमेंट को अमेरिकन जर्नलिज्म लेटर और म्यूजिक के लिए। इट इज अवार्डेड इन द नेम ऑफ जोसेफ पुलित्जर, अ न्यूज़पेपर पब्लिशर हु गेव मनी इन हिज विल टू कोलंबिया यूनिवर्सिटी टू लॉन्च अ जर्नलिज्म स्कूल एंड एस्टेब्लिश द प्राइज। ये जो अवार्ड है जोसेफ पुलित्जर के नाम पे दिया जाता है, जो कि एक न्यूज़पेपर के पब्लिशर थे जिन्होंने मनी दिया था अपने इच्छा से कोलंबिया यूनिवर्सिटी को, ताकि वो लॉन्च कर सके एक जर्नलिज्म स्कूल को और एस्टेब्लिश कर सके इस प्राइज को। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1917 एंड एडमिनिस्टर्ड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड पुलित्जर प्राइज बोर्ड। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1917 में, इसको एडमिनिस्टर किया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी और पुलित्जर प्राइज बोर्ड के द्वारा। ईच विनर रिसीव अ सर्टिफिकेट एंड अ $15,000 कैश अवार्ड। द विनर इन द पब्लिक सर्विस कैटेगरी इज अवार्डेड अ गोल्ड मेडल। हर एक विनर को मिलता है एक सर्टिफिकेट और $15,000 कैश अवार्ड के तौर पे, और जो विनर होते हैं पब्लिक सर्विस कैटेगरी के उनको एक गोल्ड मेडल दिया जाता है। इंडियन ओरिजिन हुआ प्रीवियसली बॉर्न पुलित्जर, इंडियन व इंडियन ओरिजिन जिन्होंने प्रीवियसली जीता है पुलित्जर प्राइज को। तो गोविंद बिहारी द फर्स्ट फ्रॉम इंडिया टू विन द पुलित्जर प्राइज फॉर जर्नलिज्म इन 1937। गोविंद बिहारी जो थे ये पहले थे भारतीय जिन्होंने जीता था पुलित्जर प्राइज को जर्नलिज्म के लिए 1937 में। उसके झुंबा लहरी को भी मिला है, गीता आनंद, सिद्धार्थ मुखर्जी और संगमित्रा कलिता को, ये सारे हैं जिनको कि पहले मिल चुका है पुलित्जर प्राइज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टिशू कल्चर प्लांट। तो हम जानेंगे टिशू कल्चर प्लांट के बारे में। द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपिडा रिसेंटली कंडक्टेड ए वेबिनार ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ टिश्यू कल्चर प्लांट सच एज फॉलिएज, लाइव प्लांट, कट फ्लावर एंड प्लांटिंग मटेरियल। जो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपिडा है उसने हाल ही में कंडक्ट किया एक वेबिनार को एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ टिश्यू कल्चर प्लांट सच एज फॉलिएज, लाइव प्लांट, कट फ्लावर एंड प्लांटिंग मटेरियल के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक्रीटेड टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी स्प्रेड अक्रॉस इंडिया पार्टिसिपेटेड इन दी वेबिनार। और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक्रीट किया है टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी को जो कि स्प्रेड करे अक्रॉस इंडिया पे कि वो पार्टिसिपेट करे वेबिनार में। व्हाट इज प्लांट टिश्यू कल्चर, ये प्लांट टिश्यू कल्चर है क्या? इट इज कल्चरिंग प्लांट सीड ऑर्गेन एक्सप्लांट टिश्यू सेल और
protoplast on a chemically defined synthetic nutrient media under sterile and controlled condition of light, temperature and humidity. Plant tissue culture क्या होता है? तो इसमें हम culture करते हैं plant को, प्लांट के सीड को, ऑर्गेन को, एक्सप्लांट टिश्यू सेल या प्रोटोप्लास्ट को एक केमिकली डिफाइंड सिंथेटिक न्यूट्रिएंट मीडिया पे स्टेराइल और कंट्रोल कंडीशन में लाइट, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के. एडवांटेज ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, क्या एडवांटेज है प्लांट टिश्यू कल्चर का? तो क्विकली प्रोड्यूस मैच्योर प्लांट, ये जो है वो क्विकली प्रोड्यूस करता है मैच्योर प्लांट को. एलो डेम टू बी मूव विद ग्रीडी, रिड्यूस चांसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग डिजीज, पेस्ट एंड पैथोजन. ये एलो करता है कि वो मूव करे, ग्रेटली रिड्यूस करे जो चांस है ट्रांसमिटिंग डिजीज, पेस्ट और पैथोजन का. स्टोरेज ऑफ जेनेटिक प्लांट मटेरियल टू सेफगार्ड नेटिव प्लांट स्पीसीज, ये स्टोर करता है जेनेटिक प्लांट मटेरियल को ताकि सेफगार्ड किया जा सके जो नेटिव प्लांट स्पीसीज है उसको. इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ टिश्यू कल्चर प्लांट, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है टिश्यू कल्चर प्लांट का, 2020-2021 इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ टिश्यू कल्चर प्लांट स्टूड एट 17.17 मिलियन यूएस डॉलर विद द नेदरलैंड अकाउंटिंग फॉर अराउंड 50% ऑफ द शिपमेंट. 2020-21 में इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया था टिश्यू कल्चर प्लांट को वो 17.17 मिलियन यूएस डॉलर का था, इसमें नेदरलैंड अकेले ही अकाउंट करता है 50% शिपमेंट के लिए. द टॉप 10 कंट्री इंपोर्टिंग टिश्यू कल्चर प्लांट फ्रॉम इंडिया आर नेदरलैंड, यूएसए, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, केनिया, सेनेगल, इथोपिया एंड नेपाल. जो टॉप 10 कंट्री है जो कि इम्पोर्ट करते हैं टिश्यू कल्चर प्लांट को भारत से, वो आपका नेदरलैंड है, यूएसए है, इटली है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जापान है, केनिया है, सेनेगल, इथोपिया और नेपाल है. इश्यू एंड चैलेंजेस फेस बाय टिश्यू कल्चर प्लांट लेबोरेटरी, जो इश्यू और चैलेंजेस है जिसको फेस किया जा रहा है टिश्यू कल्चर प्लांट लेबोरेटरी के द्वारा, इंक्रीजिंग पावर कॉस्ट, ये इंक्रीज कर रहा है पावर कॉस्ट को. लो एफिशिएंसी लेवल ऑफ द स्किल वर्कफोर्स इन द लेबोरेटरी, जो एफिशिएंसी लेवल लो है स्किल वर्कफोर्स का लेबोरेटरी में, ये एक प्रॉब्लम है. कंटेमिनेशन इश्यू इन द लेबोरेटरी, कंटेमिनेशन का इश्यू भी एक प्रॉब्लम है. कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ माइक्रो प्रोपगेटेड प्लांटिंग मटेरियल, जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्ट करने का माइक्रो प्रोपगेटिंग प्लांट मटेरियल काफी हाई है. लैक ऑफ हार्मोनाइजेशन इन द एचएस कोड ऑफ इंडिया प्लांटिंग मटेरियल विद अदर नेशन, जो कमी है हार्मोनाइजेशन का एचएस कोड को लेकर इंडिया के प्लांटिंग मटेरियल को ध्यान में रखते हुए अदर नेशन के साथ, जो ऑब्जेक्शन रेज किया गया है फॉरेस्ट ऑन क्वारंटाइन डिपार्टमेंट के द्वारा एक्सपोर्ट को लेकर लाइव प्लांटिंग मटेरियल का, ये सारा इश्यू है जिसको कि सॉर्ट आउट करना होगा. हाउ द गवर्नमेंट इज इंकरेजिंग द एक्सपोर्ट ऑफ टिश्यू कल्चर प्लांट, किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो इंकरेज कर रही है एक्सपोर्ट को लेकर टिश्यू कल्चर प्लांट का. एपेडा इज रनिंग अ फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम टू हेल्प लेबोरेटरी अपग्रेड देमसेल्फ सो एज टू प्रोड्यूस एक्सपोर्ट क्वालिटी टिश्यू कल्चर प्लांटिंग मटेरियल. एपेडा जो है वो रन कर रहा है एक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम को ताकि मदद किया जा सके लेबोरेटरी को अपग्रेड करने में उनके प्रोड्यूस एक्सपोर्ट क्वालिटी टिश्यू कल्चर प्लांटिंग मटेरियल को. इट ऑल्सो फैसिलिटेट एक्सपोर्ट ऑफ टिश्यू कल्चर प्लांटिंग मटेरियल टू डाइवर्सिफाइड कंट्री थ्रू मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट एनालिसिस एंड प्रमोशन एंड एग्जीबिशन ऑफ टिश्यू कल्चर प्लांट एट इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड बाय पार्टिसिपेटिंग इन बायर सेलर मीट एट डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम. ये फैसिलिटेट कर रहा है एक्सपोर्ट को टिश्यू कल्चर प्लांटिंग मटेरियल का ताकि डाइवर्सिफाई किया जा सके कंट्री के मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट एनालिसिस और प्रमोट किया जा सके, एग्जीबिट किया जा सके टिश्यू कल्चर प्लांट को इंटरनेशनल एग्जीबिशन पे, पार्टिसिपेट किया जा सके बायर सेलर मीट में अलग अलग इंटरनेशनल फोरम पे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होल्ड लोकल बॉडी पोल्स एवरी 5 ईयर सुप्रीम कोर्ट. तो लोकल बॉडी पोल्स होना चाहिए हर एक 5 साल पे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. तो हम जानेंगे क्यों कहा है, क्या केस था सारे कुछ को. सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर दैट पोल इन ईच स्टेट मस्ट बी कंडक्टेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ द 5 ईयर टर्म एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट. सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि जो पोल्स है हर एक स्टेट में वो कंडक्ट कराना होगा एक्सपायरी होने के पहले ही 5 ईयर टर्म को, कॉन्स्टिट्यूशनल ये मैंडेट है. केस था क्या? द कोर्ट ऑर्डर इनिशिएटेड अ पोल प्रोसेस ऑफ ओवर 23,000 लोकल बॉडीज एट मध्य प्रदेश विच हैज बीन ड्यू सिंस 2019. मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज बीन साइटिंग ओबीसी रिजर्वेशन इश्यू फॉर द डिले. कोर्ट ने ऑर्डर किया था इनिशिएशन को पोल प्रोसेस को लेकर 23,000 लोकल बॉडीज का ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में, जो कि ड्यू है 2019 से. मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो साइट करा ओबीसी रिजर्वेशन इश्यू को डिले करने को लेकर इस इलेक्शन को. द स्टेट गवर्नमेंट हैज कंटेंटेड दैट ओबीसी कंस्टिट्यूट अराउंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एंड नॉट ग्रांटिंग देम रिजर्वेशन इन लोकल बॉडी वुड बी इनजस्टिस टू देम. स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि जो ओबीसी है वो 50% है पॉपुलेशन स्टेट का, अगर उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है लोकल बॉडीज में तो ये इनजस्टिस होगा उनके लिए. ट्रिपल टेस्ट कंडीशन फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन, तो ट्रिपल टेस्ट कंडीशन है जो कि प्रोवाइड करेगा रिजर्वेशन को. रिफरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसीजन इन के कृष्णमूर्ति डॉक्टर
और ORS वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 केस, दी कोर्ट से ट्रिपल टेस्ट कंडीशन हैड टू बी फुलफिल बिफोर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल टेस्ट कंडीशन को फुलफिल करना होगा रिजर्वेशन देने के पहले ओबीसी को, तो वो कंडीशन क्या था, टू सेट अप ए डेडिकेटेड कमीशन टू कलेक्ट एम्पिरिकल डाटा ऑन बैकवर्डनेस, यानी सेट करना था एक डेडिकेटेड कमीशन को जो कि कलेक्ट करेगा एम्पिरिकल डाटा को बैकवर्डनेस को लेकर, स्पेसिफाइड द प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन रिक्वायर्ड इन लोकल बॉडी एंड वाइज इन लाइट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन, स्पेसिफाई करेगा जो प्रोपोर्शन है रिजर्वेशन का जो कि आवश्यक है लोकल बॉडी के लिए ध्यान में रखते हुए रिकमेंडेशन को कमीशन का, सच रिजर्वेशन नॉट एक्सीड एग्रीगेट ऑफ 50% ऑफ द टोटल सीट रिजर्व इन फेवर ऑफ एससी एसटी ओबीसी टेकन टुगेदर, और इस टाइप के रिजर्वेशन जो है वो एक्सीड नहीं करने चाहिए जो एग्रीगेट है 50% टोटल सीट जो कि रिजर्व किया गया फेवर में एससी एसटी ओबीसी के एक साथ मिला के। दिस इज जज बेंच इन विकास कृष्ण राव गवाली वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर इन मार्च 2021 अफेल दैट द प्रीपेड टेस्ट इज ए नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर रिजर्वेशन टू ओबीसी इन लोकल बॉडी। और जो थ्री जज बेंच था उन्होंने विकास कृष्ण राव गवाली वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर केस जो था मार्च 2021 का, उसमें अपील किया था कि जो ट्रिपल टेस्ट है ये एक नेसेसरी प्री कंडीशन है रिजर्वेशन के लिए ओबीसी का लोकल बॉडीज में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन दिस रिगार्ड, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसके रिगार्ड में द 23rd एंड 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, द पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडी रेस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद ए 5-year टर्म ऑफ ऑफिस एट एवरी लेवल, जो पंचायत या अर्बन लोकल बॉडी होते हैं रेस्पेक्टिवली ये प्रोवाइड करते हैं 5-year टर्म ऑफिस में हर एक लेवल पे, जो फ्रेश सिलेक्शन होता है उसको कम्प्लीट किया जाता है एक्सपायरी होने के पहले ड्यूरेशन ऑफ 5-year का, इसको डिसॉल्व किया जा सकता है कम्प्लीशन के पहले इसके टर्म के, अगर डिजोल्व होता है तो इलेक्शन जो है कंडक्ट करना होगा एक्सपायरी होने के पहले 6 months अगर है तो डेट ऑफ इट रिजोल्यूशन के अंदर, लेकिन अगर जो रिमाइंडर है पीरियड का जिसको जब डिजोल्व किया गया है पंचायत को अगर वो लेस देन 6 months है तो नेसेसरी नहीं है इलेक्शन कराने का, ये जो आपका क्लॉज है कंस्टिट्यूटिंग पंचायत को लेकर उस पीरियड का उसको ध्यान में रखते हुए, तो अगर 6 months से ज्यादा समय है तो इलेक्शन कंडक्ट कराना होगा, 6 months से कम समय है तो इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाना होगा, उसके बाद फिर से इलेक्शन होगा ही। पंचायत कंस्टिट्यूटेड अपॉन द रिजोल्यूशन ऑफ ए पंचायत बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ इट ड्यूरेशन शैल कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड फॉर विच द रिजोल्व पंचायत वुड हैव कंटिन्यूड, और जो पंचायत जिसको कि कंस्टिट्यूट किया जाएगा डिजोल्व होने के बाद पंचायत के एक्सपायर होने के पहले, तो वो जो पंचायत होगा वो कंटिन्यू करेगा रिमाइंडर पीरियड के लिए ही, यानी जितना बाकी पीरियड है उसके लिए होगा और जब फिर सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है 2010 का, इसके बारे में हम जानेंगे, पहले भी इस टॉपिक को कई बार हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनजीओ मिडलमैन एंड पब्लिक सर्वेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट डिवीजन ऑफ एमएचए वर रिसेंटली अरेस्टेड बाय द सीबीआई फॉर कमिटिंग वायलेशन ऑफ एफसीआरए प्रोविजन एंड फैसिलिटेटिंग इलीगल क्लीयरेंस इन लियो ऑफ ब्राइब। जो रिप्रेजेंटेटिव थे एनजीओ मिडलमैन और पब्लिक सर्वेंट के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के जो डिवीजन है एमएचए का, उनको भी हाल ही में अरेस्ट किया गया सीबीआई के द्वारा क्योंकि वो वायलेट कर रहे एफसीआरए के प्रोविजन को और फैसिलिटेट कर रहे थे इलीगल क्लीयरेंस को ब्राइब के कारण। इश्यू क्या है, एफसीआरए क्लीयरेंस हैव बीन ए फ्रॉड इश्यू फॉर सेवरल ईयर एंड द गवर्नमेंट हैज ऑफन बीन एक्यूज ऑफ टारगेटिंग एनजीओ फॉर पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल रीजन बाय कैंसिलिंग और नॉट रिन्यूइंग देयर क्लीयरेंसेस। जो एफसीआरए क्लियरेंस है उसको माना गया कि एक इश्यू है बहुत सालों से और गवर्नमेंट जो है वो एक्यूज कर रहे हैं, वो टारगेट कर रहे हैं एनजीओ को कि वो पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल रीजन है कि उस कारण उन्होंने कैंसिल किया है और रिन्यू नहीं कर रहे क्लियरेंस को। जो रजिस्ट्रेशन है अबाउट 5900 एनजीओ का उसको सीज कर दिया गया December 31, 2021 में, आइदर वो एनजीओ जो थे वो अप्लाई नहीं किए थे रिन्यूएबल के लिए उस ड्यू डेट के पहले, और एमएमसी जो था उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था रिन्यूएबल को एलएज वायलेशन को देखते हुए एफसीआरए के कुछ केसेस में। हाउ एफसीआरए रेगुलेट एनजीओ फंडिंग, किस तरीके से एफसीआरए जो है वो रेगुलेट करता है एनजीओ के फंडिंग को। FCRA regulate foreign donation and ensure that such contribution do not adversely affect the internal security of the country. FCRA regulate करता है foreign donation को और ensure करता है कि इस type का जो contribution है वो adversely affect नहीं करे internal security को country का। The act was enacted in 1976 was amended in the year 2010 and then 2020. ये जो act था जिसको कि पहली बार enact किया गया था 1976 में, इसको amend किया गया था 2010 में और उसके बाद फिर 2020 पे। सेक्शन 5 ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 गिव्स द यूनियन गवर्नमेंट अनचेक्ड एंड अनब्राइडल पावर टू डिक्लेयर एन ऑर्गेनाइजेशन एज बीइंग वन और पॉलिटिकल नेचर एंड डिनाइड एक्सेस टू फंड फ्रॉम सोर्स अब्रॉड। जो सेक्शन 5 है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 का, ये यूनियन गवर्नमेंट को अनचेक्ड और अनब्राइडल पावर देता है, कोई डिक्लेयर कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को कि वो पॉलिटिकल नेचर का है और डिनाइड कर सकते हैं उसके एक्सेस टू फंड को अब्रॉड से।
एफसीआरए इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। एफसीआरए को इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। इसके एप्लीकेबिलिटी को हम देख लेते हैं। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट अप्लाई टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू सिटीजन ऑफ इंडिया हु मे बी आउटसाइड इंडिया एंड टू कंपनीज ऑफ दियर ब्रांचेज आउटसाइड इंडिया दैट आर रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। जो प्रोविजन है इस एक्ट का वो अप्लाई करता है टेरिटरी के ऊपर भारत के, सिटीजन के ऊपर भारत के जो कि आउटसाइड हो इंडिया में उसके ऊपर भी, और वैसे कंपनी व जिनका ब्रांचेज जो आउटसाइड इंडिया पे है लेकिन अगर वो रजिस्टर है वह इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया पे तो उनके ऊपर ये लागू होगा। ये जो इंटाइटीज है उनको कवर किया जाता है इस एक्ट के अंतर्गत। वो इंक्लूड करता है इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन और रजिस्टर्ड कंपनी को। फॉर हाउ लॉन्ग इज अप्रूवल ग्रांटेड, कितने लंबे समय के लिए अप्रूवल दिया जा सकता है। तो एक बार अगर दिया जाए आपको अप्रूवल एफसीआरए रजिस्ट्रेशन का तो वैलिड होगा 5 ईयर के लिए। एनजीओ को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अप्लाई करेंगे रिन्यूअल के लिए 6 मंथ के अंदर ही जो डेट होगा एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन का। अगर वो फेल करते हैं अप्लाई करने से रिन्यूअल को तो जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर हो जाएगा और एनजीओ जो है वो अब इंटाइटल नहीं है रिसीव करने के लिए फॉरन फंड को, वो यूटिलाइज करने के लिए एग्जिस्टिंग फंड को बिना परमिशन लिए हुए मिनिस्ट्री के। प्रायर रेफरेंस कैटेगरी अंडर दिस एक्ट, तो प्रायर रेफरेंस कैटेगरी इस एक्ट के अंतर्गत तो एम्प्लाई करता है कि डोनेट करने के लिए इस टाइप के एनजीओ को फॉरेन डोनर को प्रायर क्लियरेंस लेना होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। लेटेस्ट 2020 का जो अमेंडमेंट है जो क्रिटिसिज्म उससे रिलेटेड है इसको भी जान लेते हैं। जो अमेंडमेंट था ये मैंडेट करा है कि जो रजिस्टर एनजीओ है वो ओपन करे एक डेजिग्नेटेड अकाउंट को जिसका मेन ब्रांच जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होना चाहिए कैपिटल पे, और जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वेरियस काउजेस का वो एक्सक्लूसिवली लैंडेड होना चाहिए। जो पिटिशनर है उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये जो मिजल्स है वो क्रम्बर सम है एनजीओ के लिए जो कि ऑपरेट कर रहे रूरल इंडिया पे और काफी दूर है कैपिटल से। उनका कहना है जो पिटिशनर है कि बहुत सारे एनजीओ फार फ्रॉम है सेंट्रल एरिया से रूरल एरिया पे बेस्ड है तो उनके लिए ये जो है काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टार्ट कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।